मकसूर नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी, दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी इजलास के मिनट्स जारी कर दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मनीब अख्तर ने कहा कि नजरसानी सिर्फ वही 13 जजेस सुन सकते हैं जिन्होंने मरकजी केस सुना हो। कहा केस का तफसीली फैसला अभी जारी नहीं हुआ, नजरसानी अपीलें तफसीली फैसले के बाद मुकर्रर की जाती हैं। गर्मियों की छुट्टियों के बायस जजेस दस्तयाब नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा नजरसानी का हक आइन ने दिया है, जजेस के आराम और आसानी को नहीं आइन को तरजीह देनी चाहिए। फौरी तौर पर नजरसानी को समाअत के लिए मुकर्रर ना किया गया तो ये नाइंसाफी होगी। चीन से ताउन के माहदों पर अमल दरामद में तातुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वजीर अजम शहबाज शरीफ का अजलास में इजहार ख्याल। दौरा चीन में माहदों पर पेशरफ, पाक चीन ताउन का जायजा लिया गया, वजीर अजम को मुख्तलिफ मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश, मेयर मुर्तजा वहाब का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मेयर कराची बोले नशेबी इलाकों से बारिश के पानी की निकासी कर दी, हैवी मशीनरी मौजूद है, आवाम के ठुकराए हुए, लोगों का बिला वजह तनकीद करना वतीरा बन चुका। वज़ीरे सिंध और बिलावल भुट्टो भी चाहते हैं उनका सूबा तरक्की करे। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी ने कहा पाकिस्तान को 1000 तरीके से पांव पर खड़ा किया जा सकता है, हम मेहनत करें तो अगले 3 साल के बाद IMF की जरूरत नहीं पड़ेगी।